हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी। दिस इज श्रुति जैन। फ्रेंड्स, दिस इज द 22nd क्लास ऑफ द सीरीज ऑन द टॉपिक स्टैटिक जीके। एंड इन दिस क्लास फ्रेंड्स, आई विल बी कवरिंग सम ऑफ द फर्स्ट्स। दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट्स इन इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू कम इंडिया। मतलब कि फर्स्ट ब्रिटिशर ब्रिटिश में, ब्रिटिश से इंडिया में फर्स्ट ब्रिटिशर कौन आया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी इज हॉकिंग्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज कोलंबस। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉकिंग्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आप लोगों को बताऊँगी कि फर्स्ट इंडिया में आया कौन था। ओके, सो मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। मतलब कि हमने पहले किया था फर्स्ट ब्रिटिशर टू कम इंडिया, और अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम कौन आया था इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए इज फाहीन, ऑप्शन नंबर बी इज मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी इज अल बिरूनी एंड ऑप्शन नंबर डी इज अल सुमादी। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाहीन। सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका वॉज। अब हमें बताना है कि जो पर्सन सबसे पहले एंटार्क्टिका पॉइंट पे पहुंचा था उसका नाम। ऑप्शन नंबर ए इज मोहम्मद गहूस उजमान, ऑप्शन नंबर बी इज जितेंद्र कुमार बजाज, ऑप्शन नंबर सी इज रामचरण एंड ऑप्शन नंबर डी इज None of these. Right answer to this question is option number C, that is Ramcharan. So moving on to our next question. Who was the first judge in International Court of Justice? यहाँ पे आना था who was the first Indian judge to इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमें पता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो द हेग में है, है ना, वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन जज वहाँ पे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इज दलवीर भंडारी, ऑप्शन नंबर बी इज नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज आयूब तोमर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नवाब सलाम। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागेंद्र सिंह। और फ्रेंड्स, वहाँ पे दलवीर भंडारी ही वॉज द सेकेंड इंडियन जज टू बी अपॉइंटेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके फ्रेंड्स, so moving on to our next question, question number 5. Who was the first Muslim president of Indian National Congress? अब हमें बताना है कि इंडिया का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज बदरुद्दीन तायब जी, ऑप्शन नंबर सी इज रजिया सुल्ताना एंड ऑप्शन नंबर डी इज पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बदरुद्दीन तायब जी। सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वॉज ओपन एट। अब हमें बताना है कि फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था जो इंडिया का, वो कब ओपन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी इज कैलकटा, ऑप्शन नंबर सी इज जयपुर एंड ऑप्शन नंबर डी इज पंजाब। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैलकटा। और ये खुला कब था, इन ईयर 1727। ओके, ये आप लोगों को साथ में याद रखना है। सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वैक्स स्टैचू ऑफ अ लिविंग इंडियन। जो हमारे इंडिया में फर्स्ट वैक्स स्टैचू बना था किसी लिविंग इंडियन का, वो किसका था। ऑप्शन नंबर ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इज महात्मा गांधी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोतीलाल नेहरू।
राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महात्मा गांधी. और ये बना कहाँ पे था? मैडान टुसॉज. कहाँ पे बना था? मैडान टुसॉज. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ओपन इन इंडिया. फॉलोइंग में से हमारी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, वो कब कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए इज नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी इज काशी विद्यापीठ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉज. जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट थे इंडिया के, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज बदरुद्दीन तायब जी, ऑप्शन नंबर बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज सी राजा गोपालचारी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डॉक्टर जाकिर हुसैन. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज डॉक्टर जाकिर हुसैन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. हमें पता है कि नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है. इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट पर्सन कौन था इंडियन ओरिजिन का, इंडिया का, जिसे नोबेल प्राइज मिला था इन मेडिसिन. ऑप्शन नंबर ए इज कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी इज अमृत्या सेन, ऑप्शन नंबर सी इज हरगोविंद खुराना, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरगोविंद खुराना. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन. अब बताना है कि फर्स्ट पर्सन कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट पे गया बट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर. ऑप्शन नंबर ए इज मोहम्मद गौस उजमान, ऑप्शन नंबर बी इज श्री शंकर कुरूप, एंड ऑप्शन नंबर सी इज सी बी मुथामा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज शेरपा अंगा दोरजी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेरपा अंगा दोरजी. और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया. अब हमें क्या बताना है कि जो इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ थे. ऑप्शन नंबर ए इज जनरल सर रॉय बुचर, ऑप्शन नंबर बी इज जनरल सर रॉब लॉकहार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज जनरल एसएम श्री नागेश. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा. एंड प्रेजेंट जो जनरल है आर्मी के, प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. ओके, जो इनकम्बेंट है वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एयर मार्शल. अब हमें बताना है इंडियन एयर चीफ कौन थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ. ऑप्शन नंबर ए इज अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज ओम प्रकाश मेहरा, ऑप्शन नंबर सी इज दिलबाग सिंह, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एस मुखर्जी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्जुन सिंह. और जो इनकम्बेंट है अभी, इनकम्बेंट जो प्रेजेंट है, मतलब, ठीक है, इनकम्बेंट एयर मार्शल ऑफ इंडिया इज मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा.
सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट नेवल चीफ. अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट नेवल चीफ ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर ए इज भास्कर सदाशिव सोमन. ऑप्शन नंबर बी इज आधार कुमार चटर्जी. ऑप्शन नंबर सी इज सुरेंद्र नाथ कोहली. एंड ऑप्शन नंबर डी इज आर डी कटारी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर डी कटारी. और जो अभी प्रेजेंट किए हैं वो कौन है, इनकम्बेंट एयर चीफ ऑफ इंडिया इज एडमिरल करमबीर सिंह. ओके फ्रेंड्स, और हमें पता होएगा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो नेवल चीफ होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं और एयर मार्शल होते हैं, इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड. अब हमें बताना है कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की कौन सी लेडी थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी. ऑप्शन नंबर ए इज सुष्मिता सेन. ऑप्शन नंबर बी इज मानुषी चिल्लर. ऑप्शन नंबर सी इज लारा दत्ता. एंड ऑप्शन नंबर डी इज रीता फारिया. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रीता फारिया. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र. अब हमें बताना है कि इंडियन ओरिजिन का फर्स्ट बंदा कौन था जिसने रिसीव किया था परमवीर चक्र. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज श्री शंकर करूप. ऑप्शन नंबर बी इज मेजर सोमनाथ शर्मा. ऑप्शन नंबर सी इज आचार्य विनोबा भावे. एंड ऑप्शन नंबर डी इज श्याम प्रसाद मुखर्जी. राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा. ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डिडंट फेस पार्लियामेंट. फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है कि हमें बताना है उन प्राइम मिनिस्टर का नेम जो प्राइम मिनिस्टर तो बने थे बट उन्होंने पार्लियामेंट में फेस नहीं किया, मतलब पार्लियामेंट की सभा में नहीं बैठे. ओके सो द फर्स्ट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन नंबर बी इज चौधरी चरण सिंह. ऑप्शन नंबर सी इज मोरारजी देसाई. एंड ऑप्शन नंबर डी इज एन नरसिम्हा राव. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चौधरी चरण सिंह. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन एयर वाइस मार्शल. अब हमें बताना है कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमन कौन सी थी जो एयर वाइस मार्शल थी. ऑप्शन नंबर ए इज दुर्गा बनर्जी. ऑप्शन नंबर बी इज कमलजीत संधू. ऑप्शन नंबर सी इज पी बंदोपाध्याय. एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पी बंदोपाध्याय. ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. अब हमें बताने कि फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी जो कि अपॉइंट की गई थी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. ऑप्शन नंबर ए इज मिस सी बी मुथम्मा. ऑप्शन नंबर बी इज रॉज मिलियन बैथ्यू. ऑप्शन नंबर सी इज सुषमा चावला. एंड ऑप्शन नंबर डी इज कमलजीत संधू. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोज मिलियन बैथ्यू. अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि इनकम्बेंट टू द ऑफिस ऑफ यूपीएससी कौन बने, अभी बने हैं यूपीएससी के चेयरमैन, उनका नाम क्या है, इनकम्बेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज
प्रदीप कुमार जोशी। और हमें ये भी पता है कि इनको यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। और इनका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स। अब हमें बताना है कि इंडियन ओरिजिन की सबसे पहली महिला कौन थी जिसने गोल्ड जीता था इन एशियन गेम्स। ऑप्शन नंबर ए इज कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी इज तनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी इज विनेश फोगट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कमलजीत संधू। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी जो मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके पे वीडियो स्टार्ट करी हुई है। अगर आप लोगों को प्लीज़ कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस फनकार सर अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। सर वहाँ पे पंजाब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और सर बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उनको ज्वाइन इन करो, सर की क्लासेस लाइव होती हैं। सो डू ज्वाइन इन देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।